हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लिमिट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं। और ये नेक्स्ट मेथड आप लोगों का था रैशनलाइजिंग मेथड। मैंने आपको लिमिट के क्वेश्चंस, लिमिट के कुछ मेथड पहले डिस्कस किए थे, जिसमें एक स्टैंडर्ड मेथड था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, फैक्टराइजेशन मेथड था। आज आप एक नेक्स्ट मेथड सीख रहे हैं जिसे हम लोग रैशनलाइजिंग मेथड कहते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत बार बोला कि हम लोगों के पास 100% केसेस में कभी भी मेंशन नहीं होगा कि आप लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है, बट कुछ मेथड ऐसे होंगे जहां पर आपको क्वेश्चन की शेप, क्वेश्चन की फॉर्मेशन ही बताएगी आप लोगों को कि आप लोग उसमें क्या मेथड यूज करने वाले हैं। अदरवाइज आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का मेथड आपको लगता है आप एप्लीकेबल है तो आप उसे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा डल है, बट मैं आपको उसी क्वेश्चन को रिपीट करके बता रही हूँ कि इसके हम रैशनलाइजिंग मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। स्कूल लेवल पर आप लोग सीख किया रैशनलाइजिंग का क्या मतलब होता है। जब हमारे पास स्क्वेयर रूट्स वाली टर्म होती है, जो कि हमारे पास यहाँ दी गई है, 1 + 2x अंडर रूट -1 - 2x अंडर रूट बाय एक्स। ठीक है, इस तरह की टर्म्स अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग लिमिट्स में। और यहाँ हम रैशनलाइजिंग ही क्यों लगा रहे हैं, आप लोग उस चीज को क्लियर करके देखिए। अगर हम यहाँ x अप्रोचेस टू 0, यानी x हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, और अगर हम इसमें यहाँ फीड करते हैं तो हमारे पास न्यूमिरेटर में भी 0 आता है और डिनोमिनेटर में भी 0 आता है। क्लियर, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दैट इज योर अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, इस तरह की टर्म्स को हम सॉल्व करने के लिए आप लोग अपने को एक मेथड चूज कर लेंगे। और इन डिटर्मिनेंट फॉर्म को आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, खासकर वो जो कि आपकी अंडर रूट वाली। क्लियर, अंडर रूट वाली टर्म्स के लिए हम रैशनलाइजिंग करते हैं। स्कूल लेवल में भी आप लोग सीख के आए हैं, जब अंडर रूट की टर्म है तो उनके बीच का सिंबल चेंज कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस मल्टीप्लीकेशन का हमेशा कुछ फायदा होता है, तभी हम लोग इस प्रोसीजर को करना जरूर समझते हैं। और अभी हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं कि क्या हम लोगों को रैशनलाइजिंग से बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जरूरी नहीं अंडर रूट वाले सारे क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजिंग लगेगा, बट मोस्ट अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन में। चलो करने लगते हैं हम अंडर रूट से। 1 + 2x अंडर रूट और बीच का सिंबल चेंज कर देंगे प्लस, और 1 - 2x अंडर रूट, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड। आप लोग समझ सकते हो, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड करके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को वैनिश करेगा और फिर न्यूट्रलाइज होकर 1 हो गया। क्लियर है बच्चा ये बात? ठीक है, चले आगे। यस, नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा आपको स्कूल लेवल का, मैं आपको एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम लोग किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने लगे हम लोग a + b (a - b) का फार्मूला, जो कि हो जाता है हमारे पास a² - b² बट अगर यही टर्म कुछ इस तरीके से हो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, बताइए क्या बनेगा आप लोगों के लिए? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। मैं आप लोगों को फार्मूले में साइड में क्लियर करा दिया, आप लोगों को वहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आप लोगों के पास ए माइनस बी। वाई ए माइनस बी? क्योंकि आप लोगों के पास ये हमारे पास अंडर रूट की टर्म चेंज हो जाएगी पावर लेने की वजह। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हम इसे क्वेश्चन पे अप्लाई भी करते सीखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने की वजह से हमारे पास अंडर रूट का पैटर्न खत्म हो गया, तो आप लोगों के पास ये हो गया 1 + 2x a, यहाँ पे भी लगभग आप लोगों के पास ये a है और ये आप लोगों के पास b है, -1 - 2x by x into denominator की टर्म हमारे पास अंडर रूट वाली एज इट इज पड़ी है 1 + 2x + 1 - 2x।
और अक्सर आप देखेंगे रैशनलाइजिंग अंडरवुड वाले टर्म्स के साथ तो हम लगा रहे हैं, बट टर्म्स में एक सिमेट्री भी होती है, क्योंकि वो सिमेट्री रहती है तो आप लोगों को ये बेनिफिट रहेगा कि वो सिमेट्रिकल टर्म आप लोगों को क्या हो जाती है, कैंसिल कर देती है। चलो देखिए जरा हम क्या, अगर हम खोलते हैं तो इसे लिमिट, ये स्टेप एक एक्स्ट्रा है जो मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हो। 1 + 2x - 1 + 2x / x (into) डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज है, 1 + 2x + 1 - 2x√। हाँ जी बेटा क्लियर है। चलिए 1 और 1 कैंसल हुआ, ऊपर 2x + 2x हमारे पास हुआ 4x, और 4x में हम लोगों को x हम डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पेंडिंग टर्म, जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो आप लोग के पास हो गया 4 / 1 + 2x√ + 1 - 2x√। अब देखिए आपको रैशनलाइजिंग का जादू, यही था रैशनलाइजिंग का जादू हम लोगों के पास, कि अब हम सब्स्टिट्यूशन फिर से करके देखते हैं। लिमिट का एक क्राइटेरिया फिक्स्ड ही है आप लोगों के पास, इनिशियल स्टेज से सब्स्टिट्यूशन करके देखो, अगर केस ऑफ फेलियर आता है तो कोई मेथड अप्लाई करिए, मेथड अप्लाई करने के बाद फिर से सब्स्टिट्यूशन करके देखिए। करते हैं हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन, अगर आप लोग देख रहे हो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की वैल्यू 0 तो हमारे पास √1 + √1 और हमारे पास आ जाएगा 4/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2। बट मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि सिंगल टाइम रैशनलाइजिंग करने में ये फिनिश हो जाएगा, कई बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लिमिट में वैनिशिंग की पोजीशन को क्लियर करने के लिए एक ही मेथड को रीअप्लाई करना पड़ता है। तो हर स्टेप के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन लगा कर देखना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो पता लगेगा आपको कि हमारे पास वैनिश की कंडीशन खत्म हो गई, फिर तो हम फीड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हो न्यूमिरेटर का 0 भी खत्म हो गया और डिनोमिनेटर का 0 भी खत्म हो गया, सिंपली हमारा आंसर आ गया। और ये मैंने आपको पहले भी बताया बच्चा, जब आप x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उस समय आप लिमिट सिंबल हटा देंगे एंड आंसर विल बी इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। क्लियर है, दिस मेथड इज योर रैशनलाइजिंग मेथड। जैसा कि मैं आपको पहले बोल रही थी कि हमारे पास क्वेश्चन सिमेट्रिकल फॉर्म में रहते हैं तो हम लोग लगभग रैशनलाइजिंग करते हैं। ये एग्जांपल 10 जो आपके पास स्क्रीन पर है आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सिमेट्रिकल नहीं है, देख रहे हैं, बट फिर भी हम रैशनलाइजिंग लगा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी स्टार्टिंग बनाती हूँ, सीधा ही आप रैशनलाइज शुरू नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में फेल की कंडीशन आती है तो हम आगे कोई मेथड सोचने शुरू करते हैं। चलिए x को 1 रखिए, जब हम x को 1 रखते हैं तो यहाँ आता है √4 - √4/1 - 1। तो देखिए 0/0 की कंडीशन आ गई, 0/0 का केस आ गया, इट मीन्स ये वैनिश हो रहा है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो रहा है या केस ऑफ फेलियर है। ऐसे केस में अब हम समझ सकते हैं, आप लोग मेथड को फिंगर पे काउंट करिए, एक्सपेंशन जो हमारे पास स्पेशल मेथड था जो हमने बाइनोमियल से किया था वो तो यहाँ नहीं लग पा रहा, एक दूसरा फैक्टर, आप नीचे के फैक्टर तो कर पाएंगे बट ऊपर वाली टर्म न्यूमिरेटर में कोई फैक्टर नहीं होगा तो इसमें से फैक्टर मेथड भी नहीं लगेगा। इट मीन्स अब जो हमारे पास मेथड आ गया वो सिर्फ यही रह गया रैशनलाइजिंग, और रैशनलाइजिंग के लिए आप लोग देख रहे हो सेम टर्म से मल्टीप्लाई, सेम टर्म से डिवाइड विद ऑपोजिट सिंबल, यहाँ टर्म के बीच में नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव लिया। और जब फर्स्ट टाइम एक बार रैशनलाइज कर लेते हैं आप तो उसके बाद आप फिर से सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, केस ऑफ फेलियर आया फिर तो आप उसे किसी एक मेथड को रीअप्लाई करेंगे, अदरवाइज वहां सब्स्टिट्यूशन के साथ ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, नाउ यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के पास, x^15 - 1/x^10 - 1 (limit x approaches to 1) सेम पैटर्न बेटा, पहले मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करके देखती हूँ, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हो तो 1 - 1/1 - 1 यानी कि 0/0 का केस हुआ।
जो कि आपका इनडिटर्मिनेंट है, और इनडिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम कोई मेथड लगाएंगे। अब आप यहाँ देखिए आप क्या लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला वो लग सकता था, बट कुछ टर्म्स की कमी है। आप लोगों को याद होगा फार्मूला ऐसे था, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n बाय x माइनस a लिमिट x अप्रोचेस टू a, और मैंने वातुक्के से याद कराया था, आप लोग याद कर सकते हैं, दिस फार्मूला इज n a रेज टू द पावर n माइनस a। क्लियर है? ठीक है, हम इसी फार्मूले को यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी दिक्कत है, हमारे पास ये नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म्स के साथ नहीं है, फैक्टराइज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 15th पावर को फैक्टराइज आपने सीखा नहीं है, और रैशनलाइज नेचुरली अंडर रूट प्रेजेंट नहीं है, तो रैशनलाइज मेथड नहीं यूज होता, तो हम इसको अपने इसी स्टैंडर्ड मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं। चलो देखिए, बट लगाने से पहले वो परफेक्ट फॉर्म में आना चाहिए। कैसे करें हम लोग, x रेज टू द पावर 15 माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, और नीचे भी x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। इट मींस आपने कॉमन टर्म उठाई जिसे न्यूमिरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स में इक्वालिटी के रूल पे आप चल सकते हो, आपको पता है जो काम न्यूमिरेटर में कर दिया वो डिनोमिनेटर में, कुछ प्लस कर दी तो साथ साथ माइनस कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे टर्म्स में। क्लियर? हमें यहाँ फायदा ये हो गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो डायरेक्ट हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, 15 वन रेज टू द पावर 14, क्योंकि यहाँ ये वन हमारे पास ए जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, 10 वन रेज टू द पावर 9, देन आंसर विल बी इक्वल टू 15 बाय 10, 5 कॉमन फैक्टर है, कट करेंगे तो 3/2, That is your answer. Clear? ठीक है? अब अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको मेन यहाँ इसलिए पूछाती हूँ, इस क्वेश्चन को देखते ही मेथड मेंशन नहीं है, अगर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको एग्जांपल 11 के अंदर इवेलुएट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देखते ही डिसाइड, खुद से डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, फैक्टर लगेगा नहीं, रैशनलाइज लगेगा नहीं, सब्सटीट्यूशन हो नहीं रहा, तो नेचुरली आप लोगों के पास वो स्टैंडर्ड वाला मेथड आ। क्लियर है? क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हम लोग यूज करने वाले हैं मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, x माइनस 2 मॉड बाय x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इन क्वेश्चंस के पैटर्न फिक्स हैं जो मॉडुलस फंक्शन है। आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे पास जो टर्म है x माइनस 2 डिनोमिनेटर, वो कहाँ पर फेल हो रहा है, यानी कहाँ पर जीरो हो रहा है, एट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब सपोज ये 1 हुआ आप लोगों के लिए, ये 2 हुआ, इट मीन्स 2 के राइट साइड पर ये टर्म पॉजिटिव मिलेगी और 2 के लेफ्ट साइड पर ये कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इट मीन्स हमारे पास 2 का राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड अलग अलग तरह से आ रहा है हमारे पास। अगर लेफ्ट और राइट नेबरहुड अलग अलग तरह से है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यूज को हम उसी तरीके से लेकर चलेंगे, जैसे आपका बुक करती है वो भी कर सकते हो, और जो मैं करना चाह रही हूँ वो भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों पैटर्न सिखाती हूँ। x अप्रोचेस टू 2 के लिए आप लोग मॉडुलस हटाकर x माइनस 2, अगर आप लोग को चैप्टर में याद होगा फंक्शंस वाले में, वहां मैंने मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में बोला था, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके ऊपर 2 के ऊपर मैं माइनस सिंबल लगा देती हूँ, तो हमारे पास हमारी वैल्यूज नेगेटिव रहती हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इंसर्ट करके उसे पॉजिटिव बना देता है, और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस वन के इक्वल। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोगों के पास क्या रहेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2+। क्लियर? चलिए करते हैं हम लोग, क्या रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्या वैल्यू देगा, एक्स माइनस 2, और नीचे तो x माइनस 2 है, उसे कोई चेंज नहीं होगा, ना तो लेफ्ट साइड से ना ही आप लोगों के पास राइट साइड से। y चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन चेंज करता है, जनरल फंक्शन तो सेम वैल्यू लेता है, इसे कट करते हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। और अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद होगा, हमने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर सिचुएशन इस तरह की आती है,
हम उसे बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है बच्चा? ये मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट लिया मॉडुलस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की हेल्प से। मैं थोड़ा सा आपको बुक का पैटर्न भी कराती हूँ। बुक अक्सर हमारे पास क्या करता है, हमारे क्वेश्चन को ओरिजिन पे ट्रांसफर कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2+h। ठीक है, 2+h फीड किया तो नेचुरली जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, अगर x हमारा 2 को अप्रोच कर रहा है, रखिए इसमें x की वैल्यू 2, तो h हमारे पास कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में, ठीक है, लेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लेट, तो हमारा h कहाँ जाएगा, 0 को। इट मीन्स अब हमारे क्वेश्चन की शेप चेंज हो जाएगी, वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। क्या होगा आप लोगों के लिए, लेफ्ट और राइट लिमिट के हिसाब से अगर अलग अलग चलेंगे, तो इसको दोनों साथ ही कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे और ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। और वहाँ हम क्या फीड करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2-h। सेम, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो नेचुरली h किसको अप्रोच करेगा, 0। ऐसा 2 क्यों लिया गया, मैंने आपको ऊपर अभी ग्राफ बना के दिखाया। आपने देखा होगा ग्राफ में 2 का लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएंगी, क्योंकि 2 पे हमारी टर्म वैनिश हो रही है। और ये आप लोगों को पता है, जहाँ भी हमारी टर्म वैनिश होती है, और रूटीन में भी आप लोगों को पता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसे हम 0 कहते हैं, और ओरिजिन के राइट साइड हमारी टर्म पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड हमारी टर्म कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये एच के सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों के पास हमारा टर्म ओरिजिन पे ट्रांसफर हो गई। और अगर आप इसको लोगे तो फिर उसी तरह से चलते हैं हम, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। और आप लोगों को मैंने सिंबल बताया था दिस, चलो फीड करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, क्या होगा, 2-h - 2 mod by 2-h - 2। करते हैं इसकी वैल्यू, 2 and 2 कैंसल, एब्सोल्यूट है तो माइनस एच के लिए हमारे पास आएगा h, नीचे आएगा माइनस एच, एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0। एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके इसकी वैल्यू -1 आ जाती है। और लिमिट h की जी वैल्यू 0 रखने की हमें जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि h हमारा कैंसिल हो चुका है। क्लियर? अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, करते हैं हम लोग 2+h - 2, दिस इज +h, 2+h - 2। ऊपर अभी एब्सोल्यूट सिंबल है हम लोगों के पास, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस इज h/h एंड इट इज इक्वल टू 1। देख सकते हो मैंने एक ही क्वेश्चन को डबल पैटर्न से बोला आप लोगों को, और दोनों ही केस में हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आई, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट था, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो आपने फंक्शन में भी पहली बार यूज किया होगा, और हम यहाँ सीख रहे थे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की हम लोग वैल्यूज निकाली कैसे। क्लियर है? ठीक है, अब है एग्जाम्पल 16। ये भी ये कुछ नया नहीं है, बट आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ब्रेक करके दी हुई है। आप लोगों को किसी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी फंक्शन की वैल्यू x अप्रोचेस टू 1 के लिए फाइंड करनी है। बट आप लोग देखते हो फंक्शन का बिहेव दो तरीके से है। अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू रहती है 1+x2, और x ग्रेटर देन 1 है तो उसकी वैल्यू रहती है 1-x। और हम लोगों को पता है लिमिट की डेफिनेशन में, आप लोगों को मालूम है अगर हमने 1 की लिमिट निकालनी है तो हमें राइट साइड की वैल्यूज भी होती है और लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है। अभी तक सिंपल पॉलीनोमियल फंक्शन में हम लोग दो वैल्यूज अलग अलग नहीं लेते थे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का पूरे रियल नंबर पे बात कर रहा था। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल 16 में हम लोगों को दो वैल्यूज दी गई हैं, फंक्शन की लेफ्ट साइड की भी और राइट साइड की। चलो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी जब हम
वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेस वाली वैल्यू से. इट मीन्स हियर वी हैव टू यूज द टर्म फॉर एफ एक्स वेयर एक्स इज लेस देन वन. क्या है एक्स इज लेस देन वन के ऊपर? यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर. अभी जो मैं आपको कह के आई थी वो यहाँ यूज होगा आप लोगों के लिए कि हमारे पास फंक्शन में पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो. हाँ जी स्टूडेंट्स, एक ये चीज जरूर ध्यान रखना, वन के ऊपर ये जो माइनस लगाया है ये जस्ट सिंबल है. दिस मीन इट नॉट मीन्स कि एक्स की वैल्यू माइनस वन हो गई. एक्स की वैल्यू वन ही है, बट जो एक्स के सुपरस्क्रिप्ट में ये माइनस वन लगा दिया गया जिस इज जस्ट सिम्बॉलिकल कि हम लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर रहे हैं. और अगर आप इसमें फीड करते हो तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाती है? टू. देखिए कोई मेथड नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या होगी आप लोगों के पास? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, ये सिंबल का ध्यान रखिएगा बच्चा. और यानी हमें यहाँ वो टर्म उठानी है जब हम एक्स की तरफ वन की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं बट अपने राइट साइड से. और अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं तो इस राइट साइड वाली टर्म में वो वैल्यूज आएंगी जो एक्स से वन से ग्रेटर हैं. ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू रहेगी वन माइनस एक्स. ठीक है, चलो करते हैं वन माइनस एक्स, फीड करते हैं एक्स की वैल्यू वन. वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. या किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड को लगाने की जरूरत नहीं रही क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हमें वैल्यू मिल रही है, नॉट फॉर द केस ऑफ फेलियर. क्लियर? बट फिर वही अभी आपको देखने से पता लग गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. एक की वैल्यू टू आई है और एक की वैल्यू जीरो आई है. दिस इम्प्लाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. आप लोग क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही छोड़ेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? ठीक है, चले आगे. यस, दिस इज फॉर e रेज टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 वेयर x अप्रोचेज टू 0. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से आप लोग इसे कर पाएंगे. क्लियर है बच्चा? यहाँ h ना रखते हुए भी, h सिर्फ इसलिए रख दिया गया ताकि हमारा डिनोमिनेटर वैनिश हो जाए. अब अदरवाइज आप लोग इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं. हाँ जी बेटा, क्लियर है? नाउ यू हैव वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन. थोड़ा डल आया है बट इस चीज को मैं आपको लिखकर दे देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. दिस एग्जांपल इज फॉर e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1. ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है. e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाय x 1 के इक्वल आएगा बट आपको इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट आउट करना पड़ेगा. क्लियर? यहाँ पर एक एग्जांपल और, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू ई. ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, चलो इसी तरह के एक दो एग्जांपल इसी की मॉडिफिकेशन करके और आपके सामने आएंगे, उसको मैं आपको कर करके दिखाती हूँ तो ही आपको पता लगेगा. वेरी फर्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा सा और बहुत सिंपल सा, ये आपको इस फार्मूले को क्लियर करेगा. 1 प्लस 2x रेज टू द पावर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0. ये ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगी तभी ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज नहीं होगा. अभी आप लोगों ने देखा अगर अंदर x है तो ही ऊपर 1 बाय x चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है फार्मूले में. हम लोगों को यहाँ पर 2x है और ऊपर क्या है 1 बाय x, तो इसे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में आ जाए. 1 प्लस 2x को 1 बाय 2x इंटू 2 क्या लिख सकती हूँ मैं? कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. अब इसे थोड़ा सा देखिए मैं किस तरह से लिखना चाह रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा. 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 1 बाय 2x एंड होल स्क्वायर. क्या यहाँ कंफ्यूजन है कोई? आप लोगों को पता है ये तो हम लोग स्कूल लेवल में भी सीखे हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर जब होती है वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है. तो ये और ये कंसेप्ट सेम ही रहेगा आप लोगों के लिए. अभी मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी आप लोगों के लिए e और ऊपर 2 था ही हमारे पास पावर में एज इट इज, देयरफॉर आंसर विल बी e स्क्वायर जो हमें प्रूव करना था.
क्लियर है? ये आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड दो नए फार्मूले आए हैं। स्टैंडर्ड एक नया फार्मूला जो बाइनोमियल की हेल्प से करा था वो प्रूव किया था, और एक ये भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अगर आप लोगों को बोलो लगभग ये भी हमारे पास बाइनोमियल का ही पार्ट है, बट इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। आप लोगों के पास है 3 raised to the power x माइनस 2 raised to the power x बाय अंडर रूट x। अगर ये क्वेश्चन समझ आता है तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी राइट साइड के लिए बात कर रहा है वो। और अगर हम राइट साइड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी बात करेंगे। एक दूसरा, चलो मेथड हम सोचने से पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 0 आ रहा है, जो कि डिनोमिनेटर में 0 शो करेगा। इट मीन्स हमें ये खत्म करना है। और कैसे खत्म करते हैं? अंडर रूट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पता है रैशनलाइज, अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और अंडर रूट एक्स से डिवाइड। देखिए अब क्या बन गया हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 3 raised to the power x माइनस 2 raised to the power x इंटू अंडर रूट एक्स बाय एक्स। ये तो एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गई, गड़बड़ है हम लोगों के पास। अभी हम पीछे वाले फार्मूलाज के हिसाब से अप्लाई करना शुरू करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3 raised to the power x के साथ मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ और 1 ऐड कर सकती हूँ। क्या किया जा सकता है? सेम टर्म के साथ 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। देखिए बच्चा, चल शुरू करते हैं हम लोग। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, सिंबल नहीं छूटेगा, सिंबल साथ रहेगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। 3 raised to the power x माइनस 1 तो अलग लिख दिया, नेगेटिव कॉमन निकालती हूँ, 2 raised to the power x माइनस 1 लिखा जा सकता है, बाय में x और अंडर रूट x फिर से पड़ा। हाँ जी बच्चा, क्लियर? चलो फिर से करते हैं हम लोग। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, देखिए जरा डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसे अलग कर देते हैं, 3 raised to the power x माइनस 1 बाय x माइनस 2 raised to the power x माइनस 1 बाय x, और बाहर हम लोगों के पास अंडर रूट x पड़ा ही है। ये आप लोगों के पास बाइनोमियल का थर्ड फार्मूला हो गया। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर बेटा, a raised to the power x माइनस 1 बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होता है तो उसका फार्मूला होता है आपके पास log of a। कोई ऐसा फार्मूला जो आपको लगता है क्वेश्चन में यूज हो गया या मैंने यूज किया, उसको साथ साथ नोट करते रहिए अगर आपको यहाँ मेंशन नहीं है। और कोशिश करिए, मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है जो भी फार्मूला आप लोग यूज करते हैं उस फार्मूले को आप लोग इसको अप्लाई जरूर करिए। चलो इनिशियल पे आप लोगों ने सीखा था हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, कर देते हैं सेपरेट। 3 raised to the power x माइनस 1 बाय x, एक लिमिट ये हो गई, माइनस एक लिमिट ये हो गई, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये सिंबल नहीं छूटेगा बच्चा साथ में, 2 raised to the power x माइनस 1 बाय x, और मल्टीप्लाई की लिमिट भी सेपरेट हो जाती है। आप लोगों को पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट का सिंबल है ये, अंडर रूट x। ये फार्मूला हम अलग कर देते हैं यहाँ से ताकि मिक्स ना हो जाए हमारे साथ। चलिए कितना हो गया ये आप लोगों के लिए, log of 3 माइनस log of 2 इंटू 0 एंड आंसर विल बी 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और आप लोगों को पता है न्यूमिरेटर के 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर का 0 नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल द मेथड्स ऑफ द लिमिट जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में है। ऐसा नहीं कहूंगी कि लिमिट्स के सारे मेथड्स खत्म हो गए, बट जितने मेथड्स आपके सिलेबस में थे वो यहाँ पर ओवर हो गए। हो सकता है इसके 2-4 मेथड्स और आपको ऐसे मिलेंगे जो हम लोगों के पास होंगे बट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस नहीं किए। ठीक है, तो उसे हम लोग आगे किसी आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑलवेज बी स्माइल ऑन योर फेस एंड कीप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक हम कॉन्टिन्यूटी के साथ फिर आपको मिलेंगे।
ताकि आप लोग उसके प्रैक्टिस कर पाए और नया कुछ सीख पाए।